तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ। तो आज पल अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। तो ओडिशा एफसी के लिए एक बहुत बड़ा रूमर्स है, क्योंकि भाई ओडिशा एफसी शायद आने वाले दिनों में आपको टोटनहम के साथ टाई अप करते हुए दिखाई दे सकता है, पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा ही रूमर्स बहुत ही ज़्यादा आज सुबह से वायरल हो रहा है। तो इस बारे में भाई अभी तक तो उतना ज़्यादा पुख्ता कुछ सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ओडिशा एफसी का जो ट्विटर हैंडल है और टोटनहम का जो इंडियन ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर कुछ वर्ड एक्सचेंज हुआ है, जिसको स्पेकुलेट करके हम लोग बता सकते हैं कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। साथ साथ और भी कुछ सोर्स से मैंने पता लगाया है कि हाँ, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें क्या पता चलता है इस रिलेशन को लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर ये डील कंफर्म हो जाता है तो ओडिशा एफसी के लिए बहुत ही बड़ा चीज़ होगा। वो फुटबॉल में और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ा बड़ा खिलाड़ी उनके टीम में भी आपको दिखाई दे सकता है प्रीमियर लीग से। तो चलिए, हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा इस बात के पुष्टि के लिए, और जब भी मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आप लोग इस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप लोग कितना ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हो अभी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से एक विदेशी खिलाड़ी को लेकर रूमर से, जिनका नाम है भाई ओडी ऑनाइंडिया। स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 30 साल, मेन पोजीशन है सेंटर बैक यानी कि एज ए डिफेंडर खेलता है। और इनके अगर करियर की बात किया जाए तो इन्होंने ज़्यादातर स्पेन के थर्ड और फोर्थ डिवीजन पर खेला है। और अगर इनके करियर के कुछ क्लबों के नाम मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बास्कोनिया, उसके बाद दुरांगो अमोरेविटा, उसके बाद कराकल्डो, बिलबाओ एथलेटिक बी की तरफ से इन्होंने खेला है, उसके बाद बोर्गोस एफसी की तरफ से खेला है, लास्ट टाइम ये खेल रहा था सीडी मिरांडेज की तरफ से जो कि सेगुंडा डिवीजन के क्लब है। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हैदराबाद एफसी में वो शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक वाइटल साइनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक उम्दा खिलाड़ी है, एक अच्छा ऑप्शन हैदराबाद एफसी के पास आ जाएगा अगर वो ओरी को साइन कर लेता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर इसके बारे में भी क्या अपडेट आता है, जब भी कुछ आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है आई लीग के क्वालिफायर को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड डिवीज़न पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन सेकंड डिवीज़न के कुछ मेन मेन क्लबों को लेकर आई लीग के क्वालिफाई खेला जाएगा, और यहां पर जो टॉप करेगा उसको मौका मिलेगा आई लीग में यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में आने का। तो भाई 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 19 अक्टूबर ख़त्म होगा ये क्वालिफायर राउंड। आपको यहाँ पर शेड्यूल दिख रहा है, फुल्ली एकदम ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, आप लोग जाकर ऑफिशियल पेज पर भी चेकआउट कर सकते हो। तो 8 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आई लीग के क्वालिफायर खेला जाएगा सेकंड डिवीजन के क्लबों को लेकर। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आप लोग मुझे बार बार क्वेश्चन करके पूछ रहे थे कि जमशेदपुर एफसी की पीटी और कास्टल का क्या हाल है। तो भाई यहां पर जिस तरीके से अभी सिचुएशन है, पीटी और कास्टल आपको जमशेदपुर एफसी में नहीं दिखाई देने वाला है इस बार, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड के साथ कनेक्शन जब था जमशेदपुर एफसी का, अभी भी है लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो शायद कनेक्शन तोड़ने की बात कर रहा है। और पीटी कास्टेल उसके ही चलते आपको शायद आप जमशेदपुर एफसी में इस सीज़न में नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि नया कोच भी आया है ओवेन कोएल, वो तो बाहर देशों से खिलाड़ी ला रहा है, आपको पता है कि उनका सोच कुछ अलग है। इसीलिए भाई आपको मैं बता रहा हूँ कि पीटी और कास्टेल का आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको एकदम ना के बराबर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि पीटी और कास्टेल जमशेदपुर एफसी में आपको नज़र नहीं आएगा इस बार। लेकिन ग्रांडे और आइटर मनोर भाई मौजूद है, दोनों खेलने वाला है जमशेदपुर एफसी के साथ इस बार इस सीजन में। और इसके बाद चलिए मैं आपको नेक्स्ट आई लीग का दो ट्रांसफर अपडेट बता देता हूं। तो पहला है भाई सिल्टन पॉल, जो कि चर्चिल ब्रदर्स में पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है मोहन बगान से, आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है। लेकिन भाई अब चर्चिल ब्रदर्स से लोन में भवानीपुर एफसी ने उनको लिया है। सिल्टन पॉल एक गोल कीपर है, मुझे लग रहा है कि उनको इसी क्वालिफाई राउंड में यूज करने वाला है भवानीपुर एफसी, क्योंकि वो भी भाई क्वालिफाई राउंड खेल रहा है आई लीग का। इसके बाद दूसरा खिलाड़ी भाई मुनमुन लुगुन, जो कि मोहम्मदन एससी में पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है। इससे पहले वो पंजाब एफसी की तरफ से खेल रहा था, और आईएसएल में भी मुनमुन लुगुन ने खेला है भाई दिल्ली डायनामोज और मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, और अब वो मोहम्मदन एससी की तरफ से आपको नजर आएगा। मोहम्मदन एससी बहुत ही तगड़ा टीम बनाया है आई लीग क्वालिफाई खेलने के लिए, और मुझे लग रहा है कि इस बार मोहम्मदन एससी ही टॉप करेगा और आई लीग में आपको नजर आएगा। चलिए देखते हैं कि आगे चलकर किस तरीके से कौन सा टीम परफॉर्मेंस करता है। मैंने आपको फुल शेड्यूल भी बता दिया है, इस शेड्यूल के ऊपर हमारा नज़र रहेगा कि कौन टॉप करके आई लीग में एंटर कर रहा है। और सबसे ज़्यादा चांस तो मुझे लग रहा है कि मोहम्मदन एससी का ही है, वो टॉप करके आई लीग में एंट्री मार लेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आईएफए के तरफ से, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो कि बंगाल का फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। और भाई आईएफए ने 4 साल का एक कमर्शियल पार्टनरशिप डील साइन किया है 14 करोड़ रुपया में
एकॉर्ड स्पोर्ट्स BDK के साथ, जो कि बहुत बड़ा डील है भाई। तो 14 करोड़ अब आपको बेंगाल फुटबॉल में इन्वेस्ट होते हुए दिखाई देगा 4 सालों में। और भी बहुत सारे स्पॉन्सर हैं इनके पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा डील यहाँ पर मिल चुका है AIFA के लिए और बेंगाल फुटबॉल के लिए एक बहुत ही अच्छा बात है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बता देता हूँ कि एकॉर्ड स्पोर्ट्स भाई गोवा प्रो लीग का मेन स्पॉन्सर भी है, वहाँ पर भी एकॉर्ड स्पोर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने आपको इससे पहले अपडेट दिया था और अब वो बेंगाल फुटबॉल में भी अपना इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। हालांकि एकॉर्ड स्पोर्ट्स बेंगाल का ही कंपनी है, वो गोवा प्रो लीग में भी काम कर रहा है और बेंगाल फुटबॉल में भी काम कर रहा है, जो कि एक अच्छा ही चीज़ है इंडियन फुटबॉल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट अपडेट आ रहा है ईस्ट बेंगाल के तरफ से। मैंने आपको लगभग एक हफ्ता पहले बताया था कि फॉर्मर बार्सिलोना के खिलाड़ी इब्राहिम अफेल्ला के साथ ईस्ट बेंगाल का एक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ईस्ट बेंगाल का जो प्राइमरी लिस्ट है विदेशी खिलाड़ियों का, वहाँ पर इब्राहिम अफेल्ला का नाम मौजूद है। और बस सुनाई दिया है कि अब ईस्ट बेंगाल ने उनका अपना प्राइमरी लिस्ट से अपना प्राइम लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि इब्राहिम अफेल्ला को अब अप्रोच ही करने वाला है ईस्ट बेंगाल। अफेल्ला को एज ए मार्की खिलाड़ी साइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो अभी भाई सैलरी है वो बहुत ही बड़ा है, इसीलिए ईस्ट बेंगाल एज ए मार्की खिलाड़ी इब्राहिम अफेल्ला को साइन करने की कोशिश करने जा रहा है। अभी तक कोशिश शुरू नहीं किया है, लेकिन कोशिश करने जा रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो भाई चलिए देखते हैं कि अब कितना ज़्यादा सफल हो पाता है ईस्ट बेंगाल उनको अप्रोच करने के लिए। लेकिन जो डच खिलाड़ी इब्राहिम अफेल्ला, उनका भी इच्छा है कि वो लोअर लेवल में आए और जहां पर फुटबॉल इम्प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, वहां पर वो कुछ अपना योगदान दे, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मुझे लग रहा है कि ईस्ट बेंगाल को बहुत ही आसान हो जाएगा उनको अप्रोच करने के लिए। चलिए देखते हैं कि आगे चलकर क्या अपडेट आता है, जब भी कुछ आएगा मैं आपको तो ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।